नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं दियत प्रसाद, टेक्निकल एजेंसी में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मेकर ब्रांड क्रॉसबीट ने अपने एक और न्यू लेटेस्ट और पॉकेट रेंज सेगमेंट के TWS ईयरबड्स को आज भारतीय मार्केट में और कर दिया है लॉन्च। और इनका नाम कंपनी ने क्रॉसबीट एयरपॉप रखा है। सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए हैं, देखने में काफी अच्छे, काफी अट्रैक्टिव, इसके अलावा ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ भी आते हैं। और कंपनी ने इनको भारतीय मार्केट में ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर के साथ ऑलरेडी परचेस करने के लिए उपलब्ध करवा चुकी है। तो इस वीडियो में इन्हीं के फीचर्स के बारे में चर्चा करने वाले, इसके अलावा इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके कनेक्टिव फीचर्स के बारे में, तो इन एयरपॉप TWS ईयरबड्स के अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 दे रही है, जो आपके एंड्रॉइड, आईओएस और विंडो गैजेट्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। इनकी जो कनेक्टिव रेंज है वो 10 मीटर के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को ऑटो पेयरिंग, क्विक पेयरिंग, मोनोपोड जैसे फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। सब कुल मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग और स्मूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इन क्रॉसबीट एयरपॉप के साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को 10mm के डायनेमिक ड्रम उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ आप लोगों को पंची वेस का फीचर उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को PNC नॉइस कैंसलेशन जैसा फीचर कंपनी दे रही है, मतलब ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। और सब कुल मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को एक बेहतरीन क्वालिटी की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है, जो काफी क्लियर, बैलेंस्ड, रियल टाइम और बेसफुल रहने वाली है, जो यह एक स्टीरियो साउंड क्वालिटी रहने वाली है। और यह म्यूजिक लवर्स के लिए तो काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्लियर कर दूं कि स्पेशल तौर पर गेमिंग यूजर्स के लिए इनके अंदर लो लेटेंसी और गेमिंग और जैसा फीचर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, यह म्यूजिक लवर्स के लिए तो वाकई में काफी प्रीमियम ब्रांड के बेहतरीन TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं। लेकिन गेमिंग यूजर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि यह किसी मतलब के TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं। अगर बात करें इनके और फीचर्स के बारे में, तो इनके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को एक टच कंट्रोल पैनल उपलब्ध करवा रही है, जिससे आप लोग कॉल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को सीधा कमांड देने की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इनके अंदर कंपनी आप लोगों को इनबिल्ट डुअल माइक्रोफोन उपलब्ध करवा रही है, जो हाई सेंसिटिव फीचर से लैस है। इसके अलावा PNC नॉइस कैंसलेशन जैसा फीचर मिल रहा है। तो सब कुल मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को HD कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और यह काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ वैसे भी आते हैं, तो भीड़ भाड़ या तो कहूं पब्लिक प्लेस पर भी आप लोग इनका उपयोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह IPX5 वाटर रेजिस्टेंट फीचर से लैस है, जो इनको धूल मिट्टी और आपके पसीने से होने वाले नुकसान से काफी तक सुरक्षित रखने वाला है, और स्पोर्ट्समैन के लिए काफी बेहतरीन फीचर होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इन एयरपॉप TWS ईयरबड्स के बैटरी बैकअप के बारे में, तो एक ईयरबड्स के अंदर 40mAh की बैटरी कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो एक बार के सिंगल चार्ज पर आप लोगों को 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवाने वाली है। इसके अलावा इनके चार्जिंग केस पर कंपनी आप लोगों को 300mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो टोटल आप लोगों को 30 आवर्स का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवाने वाली है। इसके अलावा इनके अंदर फास्ट चार्जिंग की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB टाइप सी कंपनी दे रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने अभी परचेस करने के लिए उपलब्ध करवाया है, उस हिसाब से इनकी जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी बेहतरीन रहने वाली है। अगर बात करते हैं इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो ये ऑलरेडी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए परचेस करने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, जहां से आप लोग इनको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह बहुत जल्द ऑफलाइन मार्केट और Amazon और Flipkart जैसे वेबसाइट के जरिए भी परचेस करने के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इन एयरपॉप TWS ईयरबड्स के कीमत के बारे में, तो कंपनी ने इनकी अभी कीमत जो लॉन्चिंग कीमत रखी है वो मात्र 1499 रखी है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने भी इनको परचेस करने के लिए उपलब्ध करवाया है, दोस्तों यह एक प्रीमियम ब्रांड के TWS ईयरबड्स हैं, और खासकर म्यूजिक लवर्स के लिए काफी बेहतरीन सस्ते TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई सस्ते और प्रीमियम ब्रांड के TWS ईयरबड्स परचेस करना चाहते हैं, खासकर म्यूजिक लवर्स के तौर पर, तो यह आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी विचार हो इनके फीचर्स को लेकर, क्या कीमत होनी चाहिए थी इनकी भारतीय मार्केट में, कुछ भी तड़कते भड़कते सवाल हो, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।